सो गाइज यहाँ पर हम कवर करने वाले एनवीडिया के सारे कार्ड, साथ के साथ इस बार नॉन LHR सारे कार्ड यहाँ पर मिल जाएंगे, वो भी हम कवर करने वाले हैं। एंड साथ के साथ AMD, लोग कहते हैं AMD कार्ड नहीं मिलते, ये रे AMD के हम सारे कार्ड कवर करने वाले हैं यहाँ पर हर वेराइटी में। तो चलिए वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इन सभी कार्ड्स के साथ। अगर आप गेमिंग और एडिटिंग PC परचेस करना चाहते हैं तो आज ही चेक करिए हमारी वेबसाइट जो कि है techpc7.in। यहाँ पर आपको कस्टम का भी ऑप्शन मिलता है जिससे आप अपना PC अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और साथ के साथ अगर आपको सिंगल पीस लेना हो तो वो भी आप इस वेबसाइट से ले सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करें। सो गाइज एक बार और आ चुके हम यहाँ पर अवेगा रिटेलर। तो भैया यहाँ पर कुछ ऑफर लेके आया है जो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर रहने वाले सभी गेमर्स के लिए, तो भैया बता दीजिए जरा हमें। खाली गेमर्स के लिए ऑफर है, माइनर्स के लिए ये प्राइसेज नहीं है, पहले ही बता दूं। मतलब ये सब गेमर्स के लिए प्राइसेज है, तो जो PC बनाएंगे उनके लिए है। खाली ग्राफिक कार्ड के लिए अलग रेट रहेंगे, जो PC बनाएंगे और जो रेट बता रहा हूँ खाली उनके लिए। तो मतलब एक बहुत अच्छा रेट मिलने वाला है जो कभी आप बहुत, मतलब मेरे हिसाब से तो इससे अच्छा रेट नहीं मिलेगा ग्राफिक कार्ड। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रेट दोगे आप जो गेमर के लिए होगा। अगर ज्यादा कार्ड लेने होंगे तो थोड़ा रेट अलग होगा, फिर तो फर्क आ जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है। बाकी ऐसा कोई कंडीशन तो नहीं है कि जैसे कोई सिंगल कोई गेमर आता है एक आध सामान लेना चाहे, जैसे मदरबोर्ड प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड ऐसे मिल जाएंगे ना उसको? मिल जाएंगे, लेकिन ये जो प्राइसेज है प्योर PC पे है। ठीक है, पूरे PC बना के ही देंगे तभी ये प्राइसेज है। अगर खाली आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए या कॉम्बो चाहिए, कॉम्बो के साथ में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, कवर करते हैं सारे ग्राफिक कार्ड। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सब चीजें यहाँ पर मिल जाएगी, एड्रेस, फोन नंबर। और भैया दो तीन चीजें मुझे बता दीजिए, क्या COD आपके पास मिल जाएगी? नहीं मिल पाएगी? मिल जाएगी, 3% लगेगा। अच्छा, 3% एक्स्ट्रा लगेगा, COD सभी चीज पर मिल जाएगी, तो 3% पहले देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी का डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मिल जाएगी। दुकान का नाम अविका टेल है एंड यहाँ पर हम कवर करने वाले सभी ग्राफिक कार्ड के प्राइसिंग। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो भैया आप जरा यहाँ पर आ जाए क्योंकि बेसिक कार्ड वहाँ पर है हमारे। तो पहले यहाँ पर कवर करते हैं यहाँ पर GT 210। तो भैया इसका क्या प्राइस है? ये GT 210 1GB है, ये खाली सिंगल कार्ड है, दूसरा कार्ड भी नहीं है, खाली एक ही कार्ड मिलेगा, एक ही कार्ड बचा है। तो क्या प्राइस है इसका? 3000 रुपए का है। 3000 रुपए होने वाला है। ठीक है, देन इसके बाद अगर बात की जाए ये GT 710, तो भैया सुनने में आया ये कार्ड बंद हो चुका है, इसका अल्टरनेट 10 2GB बंद हो गया, अब इसकी जगह 732GB आने लग गए। अच्छा, 730 आने लगा है, MSI का 2GB, MSI, कलरफुल, आसूस सबके आने लगे, 732GB, 710 सीरीज ही बंद हो गई। अच्छा, अब हम नया जनरेशन में पहुंच गए 730 पे। तो इसकी क्या प्राइसिंग होगी भैया? ये वाला है गेमर्स के लिए 3750 का। कितना? 3750। एंड इसके बाद अगर बात की जाए इसी में जोटेक में, तो जोटेक की क्या प्राइसिंग होने वाली है? 3750 सेम प्राइसिंग होने वाली है। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए ये आपका GT 730 RX कंपनी, इसकी क्या प्राइसिंग होने वाली है? 6000 रुपए की गेमर्स के लिए, 6000 रुपए की इसकी प्राइसिंग होने वाली है। एंड इसके बाद अगर बात की जाए ये GT 730 ये असूस में DDR5 में, जैसे ये 710 आती थी अब उसकी जगह 730 आने लग गई। अच्छा, इसमें ये इसकी क्या प्राइस है वैसे 2GB में? ये 2GB आपको मिल जाएगा 4000 रुपए में। 4000 रुपए इसका प्राइस होने वाला है। इसी में जो MSI का DDR3 वेरिएंट आता है उसकी क्या प्राइसिंग होती है? वो इससे महंगा ही मिलेगा। कितने का होगा वो? लगभग 4250 रुपए के आसपास, 4250 को होगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए, एक चीज बता दूं कि DDR5 मतलब ये नहीं है कि DDR3 वाले रैम में नहीं चलेगा। हाँ, ये तो कंफ्यूजन सब में चलेगा। कैसे मदरबोर्ड हो? कोई भी मदरबोर्ड हो, AMD, इंटेल, MD, थोड़ा सा मतलब पुरानी, इवन की G31 जो डुअल कोर प्रोसेसर आते थे ना उस पे भी चलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि किस पे नहीं चलेगा, सब किस पे चलता है, सभी कार्ड लगा के चला सकते हैं ना। बस यही है कि जो PCI 3.0 तक है, PCI 4.0 पे अब आप 3.0 चलाओगे तो नहीं चलेगा, उसके लिए फिर मदरबोर्ड अच्छी चाहिए। ठीक है, बाकी अगर इसके बाद अगर बात की जाए तो ये तो हो चुका है, इसके बाद ये 1030 है, वो 730 था। अच्छा, 730 था, तो ये 1030 है, ये 8000 रुपए। इसी में आपके पास GB भी है, इसकी क्या प्राइस है? ये लो प्रोफाइल है, ये 8500 रुपए का। 8000 लो प्रोफाइल उनमें काम आता है जिनके कैबिनेट छोटे होते हैं, मतलब जिनकी चौड़ाई कम होती है ना, उनके लिए लो प्रोफाइल का फुल सेटअप जो डेल वेल के आते हैं, उनके लिए, डेल वगैरह जो आते हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा, जो लो प्रोफाइल लगेंगे। अच्छा, लो प्रोफाइल, क्योंकि लो प्रोफाइल का मतलब हो गया कि छोटा कार्ड। अच्छा, इसी में कलरफुल भी आता है, उसकी क्या प्राइसिंग होगी? 1030 फुल 1030 आपको 4GB में आ गया अभी, 8000 रुपए का, 8000 रुपए उसको उसकी प्राइसिंग होने वाली है। देन इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर GB की तरफ से 1050 Ti है, 1050 Ti 18000 रुपए का, 18000 रुपए इसकी प्राइसिंग होने वाली है। इसके बाद अगर बात की जाए ये Asus 1050 Ti है, ये 19000 रुपए का,
19,000 रुपए इसकी प्राइसिंग होने वाली है। अच्छा भैया मुझे एक चीज बता दीजिए, कलरफुल मिले 1050 है तो क्या रेट पड़ेगा? 18,000 रुपए। कलरफुल भी सेम रेट है, 17,000 रुपए मिल जाएगा। अच्छा 17,500 का मिल जाएगा कलरफुल, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर गैलेक्स में, तो गैलेक्स 6050 क्या रेट पड़ेगा भैया? गैलेक्स 1650 आपको 20,000 रुपए। 20,000 रुपए, मतलब 20,000 रुपए का 6050 होने वाला है। एंड इसी में अगर सुपर ले तो हम? सुपर है नहीं, सुपर है नहीं, मतलब सुपर वैसे एक्सपेंसिव आ रहा है, 30,000 रुपीज का आ रहा है अभी। 30,000 का आ रहा है 6050, बहुत लिमिटेड स्टॉक है, हो सकता है जब आप आए हो नहीं हो, लेकिन 30 से 31,000 रुपए के बीच में आएगा। 30 से 31, इसमें 6050 में अगर कंटिन्यू करें तो ये आता है असूस 21,000। अच्छी प्राइसिंग है असूस जैसे ब्रांड 21,000 रुपए में, जो 24-25 से नीचे नहीं मिलता है। आज भी नहीं मिलेगा, ये खाली गेमर्स के लिए स्पेशल ऑफर। अच्छा गेमर के लिए स्पेशल ऑफर। इसके बाद अगर बात की जाए ये आपका गैलेक्स कौन सा है, ये यहाँ से देख लेते हैं 1660 Ti, इसकी क्या प्राइस है? ये गेमर्स के लिए दे देंगे 42,999, मतलब 43,000 रुपए की, 43,000 का होने वाला है 43,000 में 1660 Ti, ठीक है। देन इसके बाद अगर बात की जाए 1660 Ti असूस टफ गेमिंग, इसका क्या प्राइस? गेमिंग दे देंगे 45,500 की प्राइसिंग होने वाली है, ठीक है। अच्छा भैया 1660 Ti अगर कोई और ब्रांड से ले जैसे गैलेक्स, तो क्या प्राइसिंग होगी? गैलेक्स का बताया ना 43,000 रुपए। अच्छा 43, अच्छा मैं ध्यान दे रहा हूं। बाकी इसके बाद अगर बात की जाए 1660 सुपर, 1660 सुपर ये आपको मिल जाएगा 46,500। इसमें कोई सस्ता हो कलरफुल? कलरफुल अभी है नहीं मेरे पास, अब हो सकता है कि 1,000 रुपए सस्ता मिल जाए, ठीक है, अगर अवेलेबल होगा तो। हाँ फिर बात करते हैं यहाँ पर 3060। तो भैया 3060 में सबसे सस्ता कलरफुल आता है, तो कलरफुल और गैलेक्स दोनों का रेट बता दीजिए। सर गैलेक्स आपको मिल जाएगा 55,000 रुपए का, गैलेक्स 55,000 का होने वाला है। एंड कलरफुल? कलरफुल 54,000 रुपए के आसपास होगा, 54,000 रुपए का। इसी के बाद अगर बात की जाए जोटेक, जिसमें 5 ईयर वारंटी मिलती है 2+3 3060, क्या रेट है इसका? ये आपको मिल जाएगा 56,000 का, 56,000 का होने वाला है। इसके बाद अगर बात की जाए प्रीमियम ब्रांड की तरफ से असूस टफ गेमिंग ट्रिपल फैन, इसकी क्या प्राइसिंग होगी भैया? ये ट्रिपल फैन में ये LHR मॉडल है। अच्छा LHR, नॉन LHR भी है? हाँ नॉन LHR भी है हमारे पास एक पीस, जैसे इसमें ये है, ये नॉन LHR है। तो ये नॉन LHR होने वाला है आपका 3060, इसका क्या प्राइसिंग होगा भैया? ये 75,000 का नॉन LHR, 75,000। अच्छा भैया नॉन LHR के बारे में अगर कुछ बात की जाए, बहुत से लोग डिमांड करते हैं 3070, 3070, 3080, 3090, 3070, 3080 में नॉन LHR मिल जाएंगे? 3060 Ti, 3070, 3080 और 3090 एनवीडिया फाउंडर्स एडिशन आते हैं, फाउंडर एडिशन जो लॉटरी से मिलते हैं, थोड़े महंगे बिकते हैं, तो वो मिल जाएंगे। 3060 Ti भी मिल जाएगा? 3060 Ti भी नॉन LHR मिल जाएगा। 3060 Ti नॉन LHR लगभग 1,00,000 रुपए का, 3060 Ti 1,00,000 रुपए का, 1,00,000। 3070 नॉन LHR 1,25,000 रुपए का, 3080 नॉन LHR 1,75,000 रुपए का, 1,75,000 और 3090 नॉन LHR 2,25,000 रुपए का, 2,25,000। अच्छा भैया किसी को लेना हो तो मतलब तो ये पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और 2-3 दिन का टाइम देना पड़ेगा, ऑन ऑर्डर आता है, ऑन ऑर्डर ही आता है ये, ठीक है। इसके बाद अगर प्राइसिंग कंटिन्यू करें तो मतलब ये तो जितने भी कार्ड हम कवर करने वाले हैं LHR कवर करने वाले हैं ना? हाँ मोस्टली इसमें सारे LHR ही हैं। नॉन LHR के आपने रेट तो बताई दिए, नॉन LHR के वो एनवीडिया फाउंडर एडिशन है, जो एनवीडिया ने खुद बनाया, उसमें ना आसूस है ना गीगाबाइट है, वो कंपनी ने बनाया, एनवीडिया कंपनी ने जो चिपसेट होती है जो इनको देते हैं बनाने के लिए, उन्होंने खुद ही बनाया उनके जो फाउंडर एडिशन है वो नॉन LHR रहने वाले प्रॉपर, ठीक है। उसमें वारंटी पूरी मिलेगी, पूरी ठीक है। भैया इसका क्या प्राइसिंग होगा असूस टफ गेमिंग 3060? ये 70,000 रुपए का भैया, 70,000 रुपए का होने वाला है। में आसूस का टफ गेमिंग सबसे बढ़िया कार्ड है, 70,000 की प्राइसिंग होने वाली है। देन इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर 3060 असूस डुअल फैन, ट्रिपल फैन, डुअल फैन ओसी एडिशन, इसकी क्या प्राइसिंग होने वाली भैया? ये आप मानो ये आपको मिल जाएगा 65,000 रुपए, 65,000 इसका प्राइसिंग होने वाला है। देन इसके बाद अगर बात की जाए 3060 Ti सबसे सस्ता कार्ड 70,000 रुपए का, 70,000 रुपए होने वाला है। इसी में अगर हम गैलेक्स जैसा ब्रांड लें, गैलेक्स लेंगे तो लगभग 62,500 का मिलेगा, 72,500 का मिलेगा। इसके बाद अगर बात की जाए 3060 Ti में गीगाबाइट 3060 Ti डुअल फैन, क्या प्राइसिंग होने वाली इसकी? 74,000 का, 74,000 का। एंड ये कौन सा ट्रिपल फैन? ट्रिपल फैन, ट्रिपल फैन 3060 Ti ओसी एडिशन, क्या प्राइस है इसकी? ये आपको मिल जाएगा 76,000 का, 76,000 का होने वाला है। एंड गैलेक्स, अच्छा 3070 Ti है, 3070 का प्राइस बता दीजिए। गैलेक्स 3070 80,000 रुपए का, 80,000 रुपए Ti गैलेक्स, ये आपको 92,999 मतलब 93,000 का समझो। अच्छा भैया 2-3 कार्ड मुझे बता दिए 3070 Ti में, क्योंकि 3070 Ti बहुत प्रेफर करा जाता है माइनिंग में, तो मैं 2-3 ब्रांड और पूछना चाहूंगा। ये वीडियो गेमर्स के लिए भाई, माइनस को मैं इन्फ्लुएंस नहीं करना हमें। अरे वो तो ठीक, लेकिन फिर भी एक मतलब आइडिया दे दो, अगर किसी को एज अ गेमर भी लगवाना हो या माइनिंग भी,
क्योंकि वीडियो तो दोनों तरह की कम्युनिटी देखती है, तो मुझे बता दीजिए अगर MSI का 3 फैन में लेना हो। MSI का 3 फैन में लगभग 1,05,000 रुपए का आ रहा है। 1,05,000 रुपए। ASUS TUF Gaming 1,10,000 रुपए। 1,10,000 रुपए। ऐसे ही होगा ना वो? ऐसे ही होगा। 3070 Ti 1,10,000 रुपए उसकी प्राइसिंग होने वाली है। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए गैलेक्स तो हो गया, गैलेक्स के बाद आपका आता है 3080 का क्या प्राइसिंग होगा? 3080 में भी कोई भी वेरिएंट अवेलेबल नहीं है, आने वाला है उसमें LHR आएगा सब। LHR 1,25,000 रुपए से लेके 1,35,000 रुपए तक एज पर ब्रांड सब सस्ता गैलेक्स होगा। 1,25,000 से स्टार्टिंग होगा, कलरफुल गैलेक्स मिल जाएंगे। अच्छा भैया 3070 Ti की एक कार्ड मुझे और पूछना है, जोटेक क्या रेट पड़ेगा? 3070 Ti जोटेक 1,02,000 रुपए का, 1,02,000 रुपए उसकी प्राइसिंग होने वाली है। ठीक है देन भैया, ये तो हो गए सारे आपके NVIDIA के चिपसेट पे जो कार्ड थे। अच्छा हाँ, दो कार्ड और रहेगा भैया, 3080 Ti और बता दीजिए। 3080 Ti आज आपको लगभग आप ये मानिए कि 1,60,000 रुपए का। 1,60,000 रुपए 3090 non-LHR आता है तो non-LHR आएगा और 2,30,000 रुपए का। 2,30,000 रुपए। ठीक है तो भैया ये तो हो गए सारे NVIDIA चिपसेट पे जो भी कार्ड आते हैं। इसके बाद बात करते AMD के कार्ड वैसे ज्यादा मिलते नहीं है, बट इस बार अच्छी किस्मत है ज्यादा कार्ड मिल गए। बाकी यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं RX 570 8GB कार्ड है, क्या प्राइस है? ये भी क्या किसी का नया खराब निकल गया था तो सर्विस सेंटर से दूसरा चेंज होकर मिला। अच्छा नया। अच्छा इसकी क्या प्राइसिंग रहने वाली भैया? 50,000 रुपए का RX 570 8GB। इसके बाद अगर बात की जाए ये 6600 ये भी 8GB में कार्ड है ASUS का, 50,000 रुपए का, ये भी 50,000 रुपए का। देन इसके बाद अगर बात की जाए 6600 XT ये 54,999 मतलब 55,000 रुपए का, 55,000 इसकी प्राइस होने वाली है। ये 6700 XT ये 85,000 रुपए का है, 85 में। इसके बाद अगर बात की जाए पल्स एडिशन नाइट्रो 90,000 रुपए इसकी प्राइस होने वाली है। देन इसके बाद आपका आता है 6800 XT रेवन बहुत अच्छे से माइन होगा, 3 फैन है, हीटिंग इशू नहीं रहेंगे। बाकी इसके पीछे MSI का रखा है 6800 XT, इसके क्या प्राइस होगी? 1,25,000 रुपए। ठीक है एंड एक लास्ट कार्ड भैया, इस कार्ड के बाद एक कार्ड और आता है 6900 XT। हाँ 6900 XT में हमारे पास लिक्विड कूलर वाला है जिसमें कि पंखा कूलर सब कुछ लगा हुआ है, वो आएगा 1,75,000 रुपए का। 1,75,000 रुपए। तो ये जो प्राइसिंग है भैया कितने दिन तक वैलिड रहेगी? देखिए प्राइसिंग का ये एक आइडिया के लिए वीडियो बनाया गया है। हर रोज डिमांड सप्लाई हो सकता है कि 1 घंटे में चेंज हो जाए, हो सकता है कि 2 दिन में चेंज नहीं हो। अच्छा तो मतलब कुछ फिक्स नहीं है, बट नहीं है, एक आइडिया के लिए आपको एक वीडियो बनाया गया कि हाँ भाई ये प्राइसिंग चल रही है, कभी 100-200 रुपए ज्यादा हो जाएगी, कभी 100-200 रुपए कम हो जाएगी, ज्यादा शॉर्टेज होगी तो 10-10,000 रुपए भी बढ़ जाएंगे। 10-10,000 का गैप आ जाता है, आ जाता है। अभी आप 3070 Ti है, आप ये मानिए कि 3-4 तारीख के बाद आपको हो सकता है कि 1,00,000 रुपए का भी नहीं मिले। और अगर हाँ वैसे डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी है मार्केट में, अवेलेबिलिटी कितना माल आ रहा है, जैसे फरवरी में माल बहुत शॉर्ट रहने वाला है क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर रहेगा, सब कुछ बंद रहेगा, अगर लॉकडाउन लग गया तो माल वैसे ही शॉर्ट हो जाएगा, सबके रेट वैसे ही बढ़ जाएंगे, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते। एक आइडिया के लिए हमने इसलिए प्राइसिंग बनाया है और ये इस बार हमारा फोकस ये है कि हम थोड़े गेमर्स को सपोर्ट करें। ठीक है तो गाइज ये हो गए आपके सारे कार्ड्स, AMD और NVIDIA दोनों कार्ड हमने यहाँ पर कवर कर लिया। बाकी प्राइसिंग बहुत अच्छी यहाँ पर देखने को मिली है। बाकी लास्ट में थैंक यू भैया गेमर को कुछ सपोर्ट करने के लिए। कुछ इवन की हमारे पास गेमर्स के लिए सारे प्रोडक्ट्स हैं, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर, रैम, मॉनिटर है हमारे पास, टफ गेमिंग के मॉनिटर है हमारे पास इतने सारे, किसी के पास एक नहीं मिलते, हमारे पास सारे मॉडल है। अच्छा तो हम क्योंकि गेमर्स के लिए ही, देखिए माइनिंग तो एक क्या है, अपॉर्चुनिटी बिजनेस है, गेमर्स तो जिंदगी भर हमारे साथ काम भी करेंगे और हमें उन्हीं के भरोसे हमारी दुकान भी चलती है। ठीक है तो फिर वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसीलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू भैया वीडियो बनाने के लिए। एंड गाइज वीडियो में बताना सबसे बेस्ट पार्ट कहाँ था, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड कमेंट में जरूर बताना आप इस वीडियो को देख कहाँ से रहे हैं। एंड वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू भैया। थैंक यू, यू आर वेलकम।